यूपी के नोएडा में किसानों पर अत्याचार और बर्बरतापूर्व कार्रवाई करने वाली पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आजाद अधिकार सेना पार्टी एफआईआर दर्ज कराकर उन पर कानूनी कार्रवाई कराएगी। यह ऐलान उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर की धर्मपत्नी व आजाद अधिकार सेना पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नूतन ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि नोएडा में 81 गाँव के किसान पिछले 54 दिनों से अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बात इससे अलग जो हमारी पार्टी का है आजाद अधिकार सेना का, 2024 में जहां भी संभव हमारे अच्छे प्रत्याशी मिलेंगे हमारे मूल उद्देश्यों को लेके, वहां हमारी पार्टी वहां पर प्रत्याशी उतारेगी। और विशेष करके 2025 दिल्ली जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें हमारी पार्टी पूरी शिद्दत से लगेगी। कल हमने जंतर मंतर पर उसके लिए एक अपना कार्यक्रम रखा है, विरोध प्रदर्शन, और अब मैं भी वहीं दिल्ली रहूँगा। दिल्ली पर हमारी पार्टी विशेष फोकस करेगी, क्योंकि हमारा यह मानना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं समझता हूँ कि हमारा उनका बैकग्राउंड काफ़ी सिमिलर रहा, हम लोग एक समय मित्र भी रहे, लेकिन जो बातें उन्होंने कही और आज जो हो रहा है,